जी स्टूडेंट अब हम बैग मेयरबिलिटी ऑफ रियल लाइन एंड एम टी सेट को डिस्कस करते हैं इनमें से किसी एक को डिस्कस कर लें बिकॉज वी नो के इनमें से एक जो है फाई का कंप्लीमेंट क्या होता है रियल लाइन होती है एंड रियल लाइन का कंप्लीमेंट क्या होता है जी फी होता है मीन के uh, वाइस वर्षा एनी हा यहाँ पर एक को प्रूफ करेंगे दूसरा खुद ही हो जाएगा बिकॉज अबव uh, हमने रिजल्ट पर है कि कोई अगर एक सेट ई जो उन है वो मयरेबल है तो डेफिनेटली उसका कंप्लीमेंट भी मयरेबल होगा तो यही रिजल्ट हम उसमें यूज कर लेंगे एनी uh, हॉ uh, लेकिन हम इसमें एक रिजल्ट प्रूव करेंगे अदर वन कैन बी इंप्लाइड फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम ओके जी यहाँ पर इसका क्राइटेरिया देखते हैं कि सिंपली आपको नो यू नो जी के बैग आउटर मेयर ऑफ एनी सेट ए ये टेस्ट सेट है जो कि यूज होगा टू फाइंड द मेयरबिलिटी ऑफ द एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑन द रियल लाइन और इवन फॉर द एम्प्टी सेट एज वेल ओके जी इसको आप कह सकते हैं कि दैग मेयर आउटर मेयर प्लस ओके जी ये फी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज यू नो हाँ जी बिकॉज के बैग आउटर मेयर ऑफ आपने पता था एम्प्टी सेट क्या होता है जीरो होता है ओके okay, जी यहाँ पे एक सिंपल सा रिजल्ट है कि ए जो सा होता है ए इंटरसेक्शन रियल लाइन ही होता है मींस के एनी सेट का इंटरसेक्शन विद द यूनिवर्सल सेट इट वो सेट ही होता है ओके okay, इसी तरह फाइव का इंटरसेक्शन किसी सेट ए के साथ वो भी फाइव ही होगा बस सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन रियल लाइन प्लस फी के लिए ए इंटरसेक्शन फाइव ओके जी यहाँ से आप क्या कह सकते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं मेयरबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन हाँ जी फाइव आपने स्टडी की है कि फाइव जो है वो आर का कंप्लीमेंट होता है तो यहाँ से आर का कंप्लीमेंट आप लिख दें ठीक है तो आप क्या कह सकते हैं जी कि दिस इंप्लाइज एट ठीक है कि दिस इंप्लाइज आर इज ठीक है जी अगर आर मयरेबल है तो दिस इंप्लाइज एट कि आर का कंप्लीमेंट जो कि फी होता है इज आल्सो मयरेबल ठीक है जी यही हमने प्रूव करना था और ये प्रीवियस थ्योरम हमने यूज किया कि कोई सेट ई अगर मयरेबल है तो उसका कंप्लीमेंट भी मयूरेबल होगा तो यहाँ पर हमने रियल लाइन की मयरेबिलिटी को भी डिस्कस कर लिया